पाकिस्तानी संसद में नवाज शरीफ के 10 झूठ, मोदी के चैलेंज का जिक्र कर उल्टे भारत पर लगाया दहशतगर्दी बढ़ाने का आरोप। नवाज शरीफ ने फिर छेड़ा कश्मीर का राह, कहा एलओसी पर गोलीबारी का देंगे कड़ा जवाब। नवाज ने बुरहानवानी को हीरो बताया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के भाषण को नकारा, विपक्ष ने नवाज के भाषण को बताया फिलॉसफी, कहा भारत ने पाकिस्तान को किया अलग थलग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की किरकिरी के बाद उठी नवाज के इस्तीफे की मांग, इमरान खान ने नवाज शरीफ से मांगा इस्तीफा। कांग्रेस ने कहा नवाज शरीफ को पड़ गई है झूठ बोलने की आदत, अपनी जमीन पर आतंक का इस्तेमाल करना बंद करे पाकिस्तान, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। किसी भी दवा में सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी नहीं करेगी सरकार, सर्जिकल स्ट्राइक पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में फैसला। सेना ने सरकार को सौंपा सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो, गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने माना, कहा सेना ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सरकार को दिया है वीडियो। कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को हिदायत दी, सिर्फ अधिकृत मंत्री ही बयान दे। कांग्रेस को नहीं चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक के कोई भी सबूत, डीजीएमओ का बयान ही काफी, पीएल पुनिया ने निरुपम और चिदम्बरम के बयान को बताया निजी। सर्जिकल स्ट्राइक पर एलओसी पार चश्मदीदों की गवाही, खुफिया सूत्रों की ग्राउंड रिपोर्ट में माना तेज धमाकों के साथ आतंकियों के कई ठिकाने नष्ट हुए। ग्राउंड रिपोर्ट में चश्मदीदों ने किया दावा, 5 से 6 आतंकियों के शव को ट्रक पर लादकर पहुंचाया गया लश्कर कैंप, मस्जिद में नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने की पीएम मोदी से मुलाकात, सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक पर बात हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी और नौशेरा सेक्टर में फायरिंग, पाकिस्तान ने 2 दिन में 7वीं बार तोड़ी सीज फायर, बॉर्डर के गांव पर देर रात मोर्टार भी दागे। पंजाब के गुरदासपुर में 2 संदिग्धों की तलाश, चकावाला में सर्च ऑपरेशन तेज, एक महिला का दावा 1 संदिग्ध के पास हथियार। गुजरात के कच्छ में पकड़ी गई पाकिस्तानी बोट, 9 पाकिस्तानी मछुआरों को किया गिरफ्तार, पकड़े गए लोगों से मिले कराची के आईकार्ड। गुजरात और राजस्थान के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह, सीमा पर सुरक्षा का जायजा लिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद श्रीनगर में बढ़ी सुरक्षा, जगह जगह ली गई तलाशी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व एयर चीफ असगर खान का कबूलनामा, का हर बार पाकिस्तान ने शुरू की जंग, 5 साल पुराना वीडियो, पाकिस्तान की भारत नीति को बताया गलत। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल और संजय निरुपम का विरोध, वाराणसी में शिवसेना ने लगाए पोस्टर, केजरीवाल को बताया मेघनाथ। लखनऊ में बीजेपी ने किया केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने का जताया विरोध, केजरीवाल का पुतला फूंका। मुंबई में बीजेपी ने संजय निरुपम के खिलाफ किया प्रदर्शन, पोस्टर में निरुपम को बताया देशद्रोही। मुंबई में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, निरुपम के पोस्टर पर पोती कालिक, निरुपम के घर में घुसने की कोशिश पुलिस ने रोका। पंजाब के होशियारपुर में भी केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा, कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल का पुतला फूंका। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने केजरीवाल को बताया पाकिस्तान का एजेंट, निरुपम पर दिया विवादित बयान, निरुपम के पिता का नाम पूछा। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने केजरीवाल पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, कहा केजरीवाल का बयान ठीक वैसा ही जैसे एक बेटा अपने पिता से जायज होने का सबूत मांगे। चंडीगढ़ में जैन मुनि तरुण सागर ने भी केजरीवाल को लताड़ा, पूछा पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया अरविंद केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी, केंद्र सरकार से कहा दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने पर विचार किया जाना चाहिए। अमेरिका में पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग करने वाली याचिका ने रिकॉर्ड बनाया, 6.5 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर के साथ इतिहास की सबसे लोकप्रिय याचिका बनी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री की बैठक, चिकनगुनिया और डेंगू से लड़ने की तैयारी, हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग करेंगे सत्येंद्र जैन। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, विक्रमसिंघे ने भी कहा सार्क देशों के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है बड़ा मुद्दा, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। दिल्ली में श्रीलंकाई पीएम से मिली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी भी विक्रमसिंघे से मुलाकात करने पहुंचे। चेन्नई के अस्पताल में भर्ती सीएम जयललिता की सेहत में सुधार, राज्य भर में समर्थकों ने जताया सेहत के लिए मंदिरों में जाकर दुआएं मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, कुपोषण से 600 बच्चों की मौत का मामला, कोर्ट ने कहा राज्य सरकार नहीं दे रही ध्यान। इम्फाल की अदालत ने एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का मामला खारिज किया, शर्मिला ने 16 साल तक मणिपुर में एप्सपा हटाने के लिए भूख हड़ताल की थी। भिखारी हत्याकांड के चर्चित नंदा देवी मर्डर केस में सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को करार दिया, 7 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। यूपी में पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह छोड़ सकते हैं समाजवादी पार्टी, बस्ती में रैली करके जुटाई भीड़। यूपी के सहारनपुर में राहुल की किसान यात्रा, कांग्रेस उपाध्यक्ष ने लोगों से की मुलाकात, राहुल ने दिया विपाशना का मंत्र। उपचुनाव में शिवसेना भी देगी राजनीतिक पार्टियों को जमकर टक्कर, संजय राउत का बयान, कम से कम 200 सीटों पर लड़ेगी शिवसेना।
सीएम अखिलेश यादव ने दिया यूपी के लोगों को डायल 100 ऐप का तोहफा। किसी भी तरह की इमरजेंसी की स्थिति में सिर्फ 15 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। यूपी के मुरादाबाद में ठहरा बड़ा रेल हादसा, लोगों ने टूटी हुई पटरी देखकर रोकी धमाके। एक्सप्रेस कई घंटों तक ट्रैक पर रेल ले आते ठप। यूपी के कानपुर में 3 ट्रेनों में लूटपाट, बदमाशों ने हथियार के दम पर की डकैती, कई यात्री घायल। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों ने की लूट, हथियार की नोक पर बंधक बनाकर लूटा, लाखों के गहने और कैश लेकर फरार। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसा, छात्र नेताओं की गाड़ी पलटी, 2 की मौत, 6 गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में घर में घुसकर महिला के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया, पीड़ित ने लगाया पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप। यूपी के हमीरपुर में राह चलती महिला के साथ किडनैपिंग और गैंगरेप की वारदात, पीड़िता के पति की 2 साल पहले हो चुकी है मौत। यूपी के कौशाम्बी में एक लड़की को जिंदा जलाया गया, 3 अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बरेली में दलित लड़की ने किया सुसाइड, छेड़छाड़ से परेशान होकर दी जान, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बांद्रा में वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आशा बहुओं का प्रदर्शन, झांसी इलाहाबाद रेलवे ट्रैक को जाम किया। यूपी के शाहजहांपुर में बीच बाजार पति को पड़ी चप्पल, एक महिला ने अपने पति को पीटा, पिछले कई महीनों से दोनों में विवाद चल रहा था। बुंदेलखंड में दलित गर्भवती महिला के साथ अस्पताल स्टाफ की शर्मनाक करतूत, अल्ट्रासाउंड के लिए मांगे पैसे, मना करने पर गर्भवती और उसके पति को पीटकर अस्पताल से बाहर निकाला। रायबरेली के सरकारी अस्पताल में इलाज के नाम पर भगवान भरोसे है डेंगू के मरीज, वार्ड के अंदर और बाहर लगा है गंदगी का अंबार। यूपी के गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस बुखार का कहर, 3 दिन में हुई 11 लोगों की मौत। यूपी के भदोही में खुली सरकारी दावों की पोल, स्कूल में बच्चों को नहीं मिल रही पढ़ने के लिए किताबें, पुरानी किताबें कोर्स पूरा करने के काम आ रही हैं। यूपी के इलाहाबाद में MBBS दाखिले के नाम पर ठगी, फर्जी काउंसलिंग करवाकर पैसे लूटे। यूपी के बागपत में पुलिस की गिरफ्त से भागा बदमाश, 1 हफ्ते पहले सिपाही को मारी थी गोली, पुलिस को चकमा देकर फरार। कर्नाटक के बेंगलुरु में बड़ा हादसा, HSR लेआउट इलाके में 7 मंजिला इमारत गिरी, 5 लोगों को बचाया गया, कई लोगों के दबे होने की आशंका। ठाणे में इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर छापा, 70 लोग गिरफ्तार, जबकि 630 लोग हिरासत में लेने के बाद छोड़े गए, अमेरिका में लोगों को टैक्स रिविजन का झांसा देकर करते थे ठगी। दिल्ली के गांधीनगर में दिन दहाड़े लूट की वारदात, कपड़ा व्यापारी के कैशियर से 65 लाख रुपए लूटे, लेकिन लोग बने रहे तमाशबीन, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल नेटवर्किंग साइट से लड़कियों की तस्वीरें चुराकर उन्हें ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने किया एक को गिरफ्तार, पंजाब के मोगा का रहने वाला है ये आरोपी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर, पुलिस के समक्ष हथियारों के साथ आत्मसमर्पण। पंजाब चुनाव के लिए पूर्व फौजियों ने बनाई अपनी राजनीतिक पार्टी, फौजी जनता पार्टी नाम रखा, सेना के अनुशासन और ईमानदारी को पार्टी में बनाए रखने का दावा किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में सचिवालय पर ABVP छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सरकार की नई शिक्षा नीति और सर फाइनेंस स्कीम को लेकर जताई नाराजगी। झारखंड में गोली कांड के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने हल्ला बोला, रांची जिला स्कूल से लेकर राजभवन तक निकाला मार्च, राजभवन की बढ़ाई गई सुरक्षा। सूरत में एक शादी समारोह के दौरान मैरिज हॉल में बरसे लात घूसे, 2 परिवारों के बीच पुराने झगड़े की वजह से विवाद शुरू हुआ, CCTV में रिकॉर्ड हुआ। नाबालिग से रेप के आरोपी RJD नेता राजबल्लभ प्रसाद यादव की जमानत को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत, शुक्रवार 7 जुलाई को सुनवाई। बिहार के मधुबनी में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे सोए लोगों को कुचला, 5 की मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम किया। बिहार के रोहतास जिले में शुरू हुआ विश्व प्रसिद्ध भूतों का मेला, मेले में अंधविश्वासी लोग पहुंचकर करवाते हैं भूत प्रेत और झाड़ फूंक से इलाज। राजस्थान के सीकर में एक ईमानदार BDO के ट्रांसफर पर मायूसी का माहौल, गांव सरपंच ने शुभकामनाओं के साथ विदाई के वक्त कार भी उपहार में दी। राजस्थान के बांसवाड़ा में शॉर्ट सर्किट से मेले में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, एक दुकानदार भी आग में झुलसा, पीड़ित दुकानदारों ने मांगा मुआवजा। राजस्थान के जालोर में दर्जनों यात्रियों के साथ नदी में गिरी बस, ड्राइवर समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। MP के बैतूल में डायरिया का कहर, अब तक 80 लोग बीमार हो चुके हैं, 4 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने बनाई 3 टीमें। MP के उज्जैन में एक युवक ने पुलिस के सामने आत्मदाह की कोशिश की, पुलिस ने युवक को पकड़ा, अवैध कब्जा हटाने को लेकर विवाद हुआ। मध्य प्रदेश के पन्ना में डेंगू ने ली 3री जान, एक बड़ी कंपनी के CEO की पत्नी की मौत, अब तक 5 मामले आ चुके हैं सामने, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। MP के पन्ना में दहेज के लालची, पति की हैवानियत, पत्नी की खूब पिटाई की।
गुरुग्राम के एक मॉल में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। स्पा सेंटर की आड़ में चलाया जा रहा था जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस ने रेड के बाद 12 लड़कियों और 12 लड़कों को किया गिरफ्तार। उज्जैन के नवरात्रि की धूम। मां चामुंडा के मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। भक्तों ने प्रसाद के लिए चढ़ाया 56 भोग। सूरत में लगे नवरात्रि पंडालों में गरबा और डांडिया की धूम। ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर नाचे युवक युवतियां। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनल चौहान भी पहुंची। गुजरात के वडोदरा में दो दिन से हो रही बारिश ने कई गरबा पंडालों का मजा किरकिरा किया। कई गरबा ग्राउंड्स पर जमा हुआ पानी। मुंबई के विक्रोली इलाके की रामलीला ने पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। रामलीला में मुस्लिम लोग करते हैं भगवान राम की बारात का स्वागत। दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने की पहल के तहत किदवई नगर में 114 करोड़ रुपए की सुविधाओं का उद्घाटन। इलाके में सरकारी स्कूल भी 34 करोड़ की लागत से बनेगा। खराब ग्लोबल संकेतों का बाजार पर दबाव। सेंसेक्स 114 और निफ्टी 25 अंक गिरकर बंद। ट्रेन का काउंटर टिकट अब ऑनलाइन होगा कैंसिल। IRCTC ने टिकट कैंसिलेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया। काउंटर टिकट लेते समय मोबाइल नंबर देना जरूरी। अब एक ही ऐप में होगी रेलवे टिकट और खाने की बुकिंग। ऐप के जरिए होगा ऑर्डर। रेलवे जल्द लॉन्च करेगी अपने इस नए ऐप को। रियो ओलंपिक में भारतीय शूटर्स के लचर प्रदर्शन पर अभिनव बिंद्रा की समीक्षा। समिति ने सौंपी 36 पन्नों की रिपोर्ट। कई शूटर्स पर साधा निशाना। NRAI के कई फैसलों को गलत बताया। भारत में होने वाले कबड्डी वर्ल्ड कप से पाकिस्तान को किया गया बाहर। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने भारत पाकिस्तान रिश्तों में तनाव के बाद लिया ये फैसला। ICC के पूर्व अध्यक्ष एहसान मनी ने ICC टूर्नामेंट की मेजबानी में भारत को बहिष्कार करने की मांग की। PCB से ICC की बैठक में भारत का विरोध करने को कहा। लोढ़ा पैनल के निर्देश का पालन नहीं करने पर BCCI कल देगी सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब। कोर्ट के निर्देश के बाद भी स्पेशल मीटिंग में नहीं मानी BCCI ने लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें। नागपुर की 12 साल की सृष्टि शर्मा ने रचा इतिहास। स्केटिंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक में नाम दर्ज। शारापोवा के बैन के घटने से शारापोवा के स्पॉन्सर्स ने जताई खुशी। अप्रैल से कोर्ट पर वापसी कर पाएंगी मारिया शारापोवा। सीरिया के अलेप्पो में WHO की चौंकाने वाली रिपोर्ट। रूस और सीरियाई सेना की बमबारी में सिर्फ 9 दिन में 342 लोगों की मौत। याहू के दो पूर्व कर्मचारियों का खुलासा। अमेरिका की NSA या FBI के इशारे पर एक नया सॉफ्टवेयर बनाकर सभी उपभोक्ताओं के इनकमिंग मेल्स की हुई थी जासूसी। अमेरिका के न्यू जर्सी में गैस रिसाव के बाद धमाका। एक घर तबाह। एक घर में आग भी लगी। दक्षिण अमेरिकी देश हैती पहुंचा खतरनाक समुद्री तूफान मैथ्यू। 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। कई घरों की छतें उड़ी। चीन के सिचुआन प्रांत में भीषण कार हादसे में 4 लोगों की मौत। हादसा बीजिंग से कुनमिंग जाने वाले एक्सप्रेसवे पर हुआ। 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली सुशांत सिंह स्टारर फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक कमाए 82 करोड़ रुपए। फिल्म 31 अक्टूबर को हाईकोर्ट से मिलेगी बड़ी राहत। रिलीज के खिलाफ याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। 7 अक्टूबर को होगी रिलीज। रिलीज से पहले ही फिल्म बाहुबली 2 ने कमाए 45 करोड़। अमेरिका की एक लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने खरीदे फिल्म के राइट्स। 28 अप्रैल 2017 को रिलीज होगी बाहुबली 2। सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर फिल्म दबंग 3 की शूटिंग जनवरी में शुरू होगी। फिल्म में सोनाक्षी के अलावा एक और एक्ट्रेस भी। अक्षय कुमार ने एक मैगजीन के लिए किया फोटोशूट। मैगजीन कवर पर अक्षय का लुक हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज क्लूनी से इंस्पायर्ड। फिल्म काबिल में अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते नजर आएंगे ऋतिक रोशन। ऋतिक ने कहा कि बिग बी की दमदार आवाज निकालना बहुत मुश्किल है।